दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी मनीष सिसोदिया एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की। सिसोदिया ने जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार की मांग की है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार 29 नवंबर को पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने पर उन्होंने यह याचिका दायर की है। 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शराब नीति मामले में जमानत देने से मना कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए का लेन देन स्थापित कर पा रही है, ऐसे में फिलहाल उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर निचली अदालत ने 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता है तो मनीष सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं। उधर हाल ही में शराब घोटाले मामले में सिसोदिया को राज एवेन्यू कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया था। अदालत ने कहा था कि ईडी की ओर से कई दस्तावेज दाखिल करने बाकी हैं। कोर्ट ने वकील से कहा था कि 207 आईपीसी का पालन जल्द हो जिससे सुनवाई हो सके। वहीं इससे पहले सांसद संजय सिंह की ओर से भी दाखिल जमानत अर्जी पर ईडी को 6 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था। सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को घोटाले में उनकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किया था, तब से वह ईडी की हिरासत में है। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।